कोई नहीं, हमारी ऑडियंस को गिव अवे कर देंगे हमारे साहिल भाई से डबल। जब मैं लेके आया था भाई, इसका एग्रेशन था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सभी, जो भी जा रहा हूँ मैं अपने साहिल भाई के पास। हम आपको दिखाएंगे रोटवाइलर। इस वीडियो में मेन चीज ये देखने वाले कि रोटवाइलर में एग्रेशन होता है या नहीं होता, घर के लिए कैसा होता है वो, उसका टेम्परामेंट कैसा है, एग्रेशन है या नहीं है। चलो चलते हैं, वेट नहीं हो रहा अब साहिल भाई के पास। भी आ गया हूँ ऊपर, ये देखो बुजो खाना खा रहा है। देखो बुजो को लिया है हम ऊपर। और साहिल भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। और गाइस सुना दो कैसे हो आप सब? ये भी बहुत अच्छे हैं। ये अपने साहिल भाई के बड़े भाई। और भाई क्या हाल है? भाई बढ़िया, आप बताओ। भाई एक नंबर। साहिल भाई तेरे पास मैं ना इसलिए आया था क्योंकि है ना मैं अपनी ऑडियंस को दिखाने वाला हूँ कि रोटवीलर एग्रेसिव होता है या नहीं होता, उसका टेम्परामेंट कितना अच्छा होता है, क्योंकि तूने तो काफी साल हो गए रोटवीलर रखते है, तो इस वजह से यार दिखाते है पब्लिक को। हाँ भाई बिल्कुल, जैसे आपने देखा है मेरा रोटवीलर कभी नहीं पार्ट थे, मेरे पास 8 रोटवीलर है। तो मैंने फ्री में अडॉप्शन भी कर रखे हैं लोगों के पास। क्या बात कर रहे हैं बाबा? यहाँ आस पड़ोस में जो कि बच्चे भी रखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा डॉग खुला हुआ है बुजो, आप देखो इसकी तरफ घुमा कैसे ही घूम रहा है। ये देखो गाइस कैसे घूम रहा है, और काफी हैवी है भाई ये तो। भाई डाइट पे चलाया ना आपने, पता है कैसे मेहनत हाँ। लगती है। साहिल भाई एक बार हमारी ऑडियंस को दिखा दो, जब आप लेके आए थे इसको अडल्ट डॉग लेके आए थे तब ये कैसा था। मैं आपको वीडियो डाल दूंगा सेंड, उसमें ज्वाइंट कर देना आप। हाँ तो गाइस हम वीडियो दिखा देंगे आपको। डाइट डूइट पे भी प्लान अपना सक्सेस करना पड़ता है, इनकी डाइट पूरी करनी पड़ती है भाई, जाके डॉग हेल्थी होता है। पिछली वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, अंकित वाले पे डल रखी है, पहले से काफी अच्छा हो गया ये। हाँ बिल्कुल भैया, जैसे कि आप देख ही सकते हो अभी स्मेल कर रहा बुजो मेरे को। अभी आपको है ना हम दिखाएंगे कि हमारे साहिल भाई ने कैसे ट्रेनिंग दे रखी है बुजो को। अरे भाई काफी मस्त चीज सिखा रखी है भाई। बिल्कुल भाई देख ही सकते हो आप। हाँ। और बाकी ऑडियंस बता देगी कैसे लगी। हाँ भाई मेरे को तो काफी अच्छी लगी। चलो एक बार फिर से करके दिखाओ इसको। once more, second, take. अरे वाह ना भाई, हाथ में डंडा है। लोग बोलते हैं कि आप टिक से वगैरह डराते हो, कुछ नहीं डराते, देखो साथ में कुछ भी नहीं है, देख सकते हो। टेक बैठा यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा है एक ही कमांड में बार बार नहीं बोला, एक ही बार बोला था। हाँ भाई काफी समझदार है। बिल्कुल, अभी मैं इसके कान में बातें बोलूंगा और ये डन भी करेगा। अच्छा। असंभव। डन। अरे भाई ये भाई मान गया ना। हाँ काफी मस्ती जैसी कार रखी है भाई। कितना हैवी हो गया अभी ये। अब भाई इसका वेट घटाऊंगा और इसको एक दो कमांड और सिखाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। जो कि आप भी कहो भाई मेरे डॉग को सिखा दो, उससे ज्यादा ये रिक्वायरमेंट रहेगी आपके कमेंट में, आप बेसिक देख लेना। कोई नहीं आपका नंबर डाल देंगे, क्या हुआ सिखा देना। भाई टाइम बहुत लगता है ऐसे यार, टाइम तो लगेगा। कोई नहीं, कोशिश करूंगा मैं सारे भाइयों को बताऊं कैसे कैसे कमांड सिखाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कमांड दिखा देंगे ना ऑडियंस को कि कैसे कमांड दी जाती है अपने डॉग। बिल्कुल भाई, मैं तो ये सोचता हूँ कि जो हम चीज सीखे हम दूसरों को भी बताएं, हमारे अंदर ये नहीं है कि जो चीज हमने सिखाई आगे हम किसी को शेयर ना करें, शेयर करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। और बाकी एग्रेशन तो है ही नहीं इसमें, आप देख सकते हो भाई अभी इसके लीटर भी आने वाले हैं, दो इकट्ठे साथ में ही आएंगे। अच्छा बिल्कुल धमाका होने वाला है गाइस। अभी इसको गर्मी लग रही है, यहाँ पे बैठ गया आराम से। साहिल भाई इसको टच कर लो, कुछ कहेगा तो नहीं, काफी दिनों में मिला हूँ ना। ना भाई देख ले, टच कर ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो गाइस को ये रहा बूजो, स्मेल कर रहा है, प्यार कर रहा है, पहचान लिया इसने मेरा वाला अंकित है। और ना अब तक तो फाड़ डालता इसके दांत देख रहा है। बिल्कुल देख ले, ये देखो गाइस दांत के मुंह में मैं कैसे हाथ डाल रहा हूँ, ये दांतों को भी हाथ लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा मेरे को। इस कितना प्यारा लग रहा है, जैसा कि अफवाह फैलाते रहते हैं कुछ लोग कि रोटवाइलर डेंजरस होता है, काट लेता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने सिखाने के ऊपर होता है। हमारे साहिल भाई कैसे इसको कमांड देते और कैसे मान लेता है ये। और जैसा कि साहिल भाई आप एक बार बता दो हमारी ऑडियंस को कि जब आप इसको अडल्ट लेके आए थे तब ये कैसा था, इसका एग्रेशन था या नहीं था। जब मैं लेके आया था भाई इसका एग्रेशन था, जब मैं इसको खाना डालने जाता था तो ये पकड़ने की कोशिश करता था कि तू मेरे पास कैसे आ रहा है। जैसे कि बहुत पतला था ये पहले, एग्रेशन करता था, मैंने इसको ठीक डाइट प्लान पे और एग्रेशन वगैरह जो इसके रह रखे थे मैंने वो पूरे कंप्लीट करवाए थे। तो गाइस अभी मैं बैठ गया हूँ बुजो के पास, कैसे देख रहा है और स्मेल कर रहा है मेरे को दोबारा से। तो अभी साहिल भाई मैं इससे हेलो करके देखता हूँ, हेलो वगैरह करेगा मेरे से भी या नहीं करेगा, देखो भाई आप। तो गाइस देखते हैं, हेलो करो बुजो। ओ भाई वाह भाई वाह, बहुत समझदार। दोबारा करो अंकित भाई, हेलो करो। वाओ अरे वाह भाई कर रहा भाई ये तो। बिल्कुल भाई, क्या कमांड थी भाई? वो टेक वाली थी भाई, वो बैठा के, वो शायद नहीं करेगा, देख लो एक बार चेक करके। हाँ। टेक।
वाह भाई वाह, अंकित भाई करा लिया आपने तो यार। भाई डॉग्स के साथ रह के थोड़ी बहुत नॉलेज तो ही जाती है, कैसे क्या करना है। एंड होगा भाई अभी तो इतना इसका, तो गाइस अभी कैसे देख रहा है नीचे, और हमारे साहिल भाई अभी वेट भी कम करवाएंगे इसका। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो आएगी काफी मस्त। ये फेस देखो कितना बड़ा फेस है इसका, और इसके पंजे देखो आप, काफी हैवी है डॉग ये, और अच्छा है, बात भी मानता है सारी। इसको सिट बोलेंगे तो सिट भी होगा, बुझो सिट प्यार से मानता भाई ये। बिल्कुल भाई, प्यार की भाषा को जानता भाई ये। क्वालिटी डॉग की काफी अच्छी है, और कलर देख सकते हो ब्लैक एंड टैन कलर है इसका। गाइस अब अपने साहिल भाई उठाएंगे, भाई काफी हैवी डॉग है, कितना हैवी डॉग है तो हमारे साहिल भाई से डबल। कैसे देख रहा है गाइस, अभी इसकी हाइट दिखा रहे हैं आपको, हमारे साहिल भाई के बराबर है। तो इसको गर्मी लग रही थी तो ठुट्टी के नीचे नहला रहे हैं इसको, नहाना बहुत पसंद है। अब ये नहा रहा है, जब ये झाड़ेगा ना, जब देखिए तो तू भी दूर भागेगा। हाँ भाई मैं भाग जाऊंगा, कपड़ों की ऐसी तैसी कर देगा। मस्ती चढ़ गई है, शाइनिंग आ गई भाई नाते ही। भाई देखियो अभी तो कलर देखियो ना, धूप में सूखने के बाद अभी तो ये गंदा हो रखा है। तुझे पता है रोटवेलर को मिट्टी में रखना पड़ता है। हाँ। क्यों, इनकी जो हेल्दी जो शरीर की मेंटेन है मिट्टी में ही होती है। हाँ। हम टाइल पे रखेंगे इनको अच्छा नहीं लगता, पैर वगैरह भी खराब हो सकते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता भाई। अडल्ट के तो क्या होंगे, बच्चे के तो हो भी जाए, बच्चे की हो जाएंगे ना, अडल्ट के तो अब नहीं होंगे भाई, क्योंकि अब तो इनकी हो चुकी है एज। वैसे भाई बच्चे से याद आया मेरे को कि जब मैं नीचे था, जब एक रोटवेलर की फीमेल थी छोटी, वो इसी की बच्ची है भाई, इसी की बच्ची है। हाँ भाई, अभी मेरे पास लीटर हुआ था, 7 बच्चे दिए थे, 6 मेल थे 1 फीमेल थी, 2 लीटर और आएंगे अभी। अच्छा। दिखाऊंगा आपको मैं। तो गाइस अभी अपने साहिल भाई लेके आ रहे हैं, 2 फीमेल है, एक छोटी वाली पप्पी है एक बड़ी वाली है। तो गाइस ये आ गई जस्सी और ये रही फीमेल पप्पी। साहिल भाई क्या नाम रखा अभी इसका, पप्पी का छोटे का? पप्पी का भी मैंने कुछ नहीं रखा, मस्ती में कालो कालो कहते हैं सभी इसका घर वाले। ये अपने पापा के साथ घूम रही है भाई, इसको अच्छे लगते हैं, क्यों इसके पापा के पास मैं कम छोड़ता हूँ, क्योंकि ये बैठ जाएगा इसके ऊपर, आपको पता ही इसका वेट कितना है। ये फीमेल के लिए मैं ना कटिंग के लिए मशीन लेके आया था। अच्छा। इसके मैंने पूछ के बाल काटे थे, वो मशीन की चार्जिंग हुई, वायर हुआ, ये नहीं पता क्या खराब हुआ। ये पूरी फैमिली है जो कि मैंने घर में रख रखी है, देख सकते हो आप। रोटवीलर का ही फैन हूँ और रोटवीलर का शौकीन ही रहना चाहता हूँ। जो एक बार रोटवीलर रख लेते हैं ना, वो रोटवीलर ही रखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो पूरी मस्ती में पूरी फैमिली है। देखो भाई 3-3 रोटवीलर रखे हुए अपने भाई ने, पूरी गैंग है, ये पापा है, ये मम्मी है और ये बेटी है। मैं रखने वाला 3-4 था जो इसके पप्पी हुए थे। अच्छा। फिर घर वाले माने नहीं तो मैंने एक आधे पड़ोस में दे दिए थे फ्री में। कोई नहीं, हमारी ऑडियंस को गिव अवे कर देंगे। यही नहीं अभी और सुनिए, बिल्कुल कर देंगे भाई, अभी पप्पी होने दो, 2 लीटर आने वाले हैं, अपनी फैमिली है भी फ्री में देता हूँ मैं, एक आधी अपनी फैमिली को दे दूंगा, खुश भी होंगे। कैसे घूम रही है, कालो आ गई है, काफी क्यूट है, एक बार अपने पापा के पास जा रही है, एक बार मेरे पास आ रही है। कैसे खड़ी होगी, इसको भी ट्रेनिंग दी थी क्या भाई तूने? नहीं भाई, है तो अपने पापा की। हाँ भाई आदत तो आएगी भाई, जब मैं इसको सिखाता हूँ ना कभी कभी ये ट्रेड भूल जाता है। हाँ। हफ्ते में 2 या 3 बार इसको सिखाता हूँ, जो वो साथ में बैठी रहती है देखती है क्या कर रहा है झूठ के। रस्सी को भी सिखाया कुछ भाई? इसको नहीं सिखाया, लाडली ज्यादा है, मेरी बात तो मानती नहीं है पहली बात, क्यों घर वाले इसको बहुत प्यार करते है इसलिए। जस्सी इधर आ, ये मानेगी नहीं तो ये बताया, बस मेरा नाम जस्सी है, ये मेरे को बुला रहा है, मैं जाऊंगी नहीं। कालो 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 कैसे खेल रही है कालो, अरे भाई ले कालो, ये बूजो भी आ गया साथ में, कालो ले, पीछे पीछे घूम रही है, ये मेरे पास ही आ रहे है बार बार, काफी दिनों बाद आया हूँ ना। जो डॉग्स होते हैं वो आदमी को एक ही बार में देख लेते हैं बंदा कैसा है, दिल से जो डॉग्स को प्यार करता है अलग ही दिख जाता है। देख ले जो जब से तू आया उधर को सूंघ रहा है, देख रहा है अच्छे से, तेरे को जान लिया उसने, तू इसको चिट भी कर रहा है, इसने तेरे साथ शेक हैंड भी किया, एक भी करा, सब कुछ करा इसने, हर कोई बाहर का होता ना नहीं करता भाई। बिल्कुल भी, ये देखो कालो को कैसे बैठ गई है, फिर उठ गई भाई, हंस रही है भाई, हंस रही है, ये दांत निकाल रही है। लो उठा के दिखाता हूँ इसको, ले इधर आ, पंजे देख ले भाई इसके, अभी से पूरे हैवी पंजे हैं, कलर देख सकते हैं आप इसका, और ये साइड से दिखा देते हैं एक बार इसको, ये पूरी टॉप फीमेल है। कितने मंथ्स की होगी? 2 महीने की हुई है, 2-2.5 महीने, 2-2.5 महीने की हुई है गाइस, काफी फ्रेंडली है, हंस रही है भाई ये तो। ये कितनी प्यारी लग रही है साहिल भाई, घूम रही है जब, ये एक नंबर की है भाई, बिल्कुल ये बूजो की तरह बनेगी देखना तुम। हाँ बूजो जैसी हट्टी कट्टी बनेगी, शुरू में तो फेस थोड़ा हल्का कम होता है, मीडियम क्योंकि जो हाइट होती है ग्रोथ करेगी। हाँ। ग्रोथ करके जो फेस थोड़ा अच्छा सा दिखेगा। अभी डाइट पे लेके आया हूँ मैं, ये बुआ की दे दी थी, कम से कम 10 दिन ये बुआ की दी थी, उसके बाद इसका थोड़ा डाइट में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जैसे भी है डाइट नहीं मिली। हाँ। तो वही चीज हुई, अब मैं डाइट पे लेके आ रहा हूँ इसको, अब बूजो की तरह दिखने वाली है, कुछ ही टाइम में इसकी ग्रोथ भी निकलेगी, हाइट देखना कैसी होगी भाई। इसलिए मैं साहिल भाई के पास आया था, अपने साहिल भाई को पूरी नॉलेज है रोटवाइलर डॉग के बारे में, बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। We'll be right back.